आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिल्ली के एम्स से रांची के रिम्स भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन यहां लालू की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद इस बात की शिकायत की है। लालू ने अस्पताल प्रशासन से कहा है कि मुझे सड़े अंडे दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से डिप्रेशन की दवा खानी पड़ रही है। लालू यादव पहले ही कह रहे थे कि रिम्स में सही देखभाल नहीं होगी, मुझे एम्स में ही रहने दीजिए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें रिम्स भेज दिया। अब रांची में शिफ्ट हुए उन्हें एक ही हफ्ता बीता है कि लालू ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। लालू यादव ने सड़े अंडे खिलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नाश्ते में खाने के लिए सड़ा अंडा दिया गया। लालू प्रसाद यादव को नाश्ते में सड़ा अंडा परोसे जाने पर डाइटिशियन मीनाक्षी ने किचन के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि आगे से लालू प्रसाद यादव को दिए जाने वाले खाने को भेजने से पहले उसकी जांच की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी से इस बारे में जानकारी मांगी जाएगी। बताया जा रहा है कि 2600 से ज्यादा अंडे उबाले गए थे, जिसमें कुछ अंडे खराब थे। लालू को जो दो अंडे नाश्ते में परोसे गए वो भी खराब थे। इसी पर लालू ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन की दवा खानी पड़ रही है। आपको बता दें कि रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव को डिप्रेशन की दवा नेकिस्टो दी जा रही है। वैसे लालू को 19 तरह की दवाइयां दी जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें शुगर और हार्ट के अलावा कई और बीमारियां हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।